गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है ना? सब ठीक चल रहा है ना? पढ़ने में मजा आ रहा है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। तो देखिए कहता, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना? इसमें द्विघात बहुपद आपको निकालना, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें आपको शून्यकों के योग दे दिया है और शून्यकों के गुणनफल दे दिया है, और निकालना है आपको कौन चीज, द्विघात बहुपद। तब बोलिएगा किधर दिले है सर, किधर दिले है? तो यह दिया हुआ या, है ना? तो इस तरह से आपको 6 क्वेश्चन इसमें बनाना है। टोटल कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन बनाना है ना। तो पहला लेके चल रहे हम लोग, है ना, 2 के पहला। तो ये जो दिया हुआ है आपको शून्यकों के योग दिया हुआ है, और -1 जो दिया हुआ है वह दिया हुआ शून्यकों के गुणनफल। तो दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया हुआ, है ना? तो चलिए लिखते हैं दिया है, देखते चलिएगा जी ध्यान से दिया है। लिख करके फिर आम नहीं रहिएगा, दिया है शून्यकों के योग। तब बताइएगा शून्यकों के योग क्या होता है? तब बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा। हम पूछ रहे हैं शून्यकों के योग क्या होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो यह दिया हुआ है हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना दे दिया है जी, तो 1/4। और क्या दे दिया है आपको, लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल दिया हुआ। तो शून्यकों के गुणनफल क्या होता है बताइएगा जी, शून्यकों के गुणनफल क्या होता है? तब बोलिएगा अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। आया समझ में कि नहीं आया ना जी? तो देखिए, तो यहां लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। तो कितना दे दिया है आपको, -1। अब क्या निकालना है आपको, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में, तो वही पहले लिखेंगे, है ना? तो लिखेंगे द्विघात समीकरण, यहां से लिखते हैं ना, द्विघात समीकरण। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद है किनको किनको याद है हाथ उठाइए, नहीं याद है तो ध्यान से देखिए। तो क्या होता है द्विघात समीकरण के फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में, तो लिखेंगे x² - αx + α(β) = 0। क्या होता है फॉर्मूला, याद हो गया? ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा क्या फॉर्मूला होता है। तब बोलिएगा x² - α(β) × x + α(β), तो α(β) फिर से द्विघात समीकरण के फॉर्मूला होता x² - α(β) × x + α(β) = 0। तो यही होता हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्मूला। अब चलिए इसी में इशारे मान को धरिए,
पुट करिए, देखिए अपने आप आ जाता है। नमस्कार है जी, चुटकी बजाते हुए बन जाएगा। तो देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा के मान बताइएगा कितना आया है जी, कितना दे दिया है, तो एक बटा चार इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है जी माइनस है, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं ना रहता है, तो एगो माइनस में ब्रैकेट में कर देते हैं बराबर जीरो। अब चलिए सबको हल करिए, एक्स के स्क्वायर माइनस एक गुने एक्स, एक गुने एक्स कितना हो गया एक्स, अब बटा में कितना हो गया फोर। अब चलिए प्लस माइनस माइनस एक बराबर जीरो। अब देखिए बहुपद के नियम है कि आपको बट्टा में नहीं रहे दीजिए, बट्टा में यहाँ पे आ रहा है ना, तो बट्टा में नहीं रहे दीजिए, तो बट्टा कैसे हटाइएगा, तो लघुतम लेंगे एलसीएम, लघुतम लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए जी, तो देखिए नहीं कुछ है, जो प्रे नीचे में बटा एक है, एकरो नीचे बटा एक है, तो एक चार एक के लघुतम कितना हो गया, तो बोलिएगा चार, ऐसा पर एक है छुपा हुआ बटा में, तो एक भाग चार तक कितना हो गया चार, और चार गुने एक्स स्क्वायर तक कितना हो गया चार एक्स के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस चार भागे चार तक कितना एक, एक गुने एक्स तक कितना एक्स, माइनस है तो माइनस, बटा में कितना है एक है, इसके बटा में एक है ना जी, तो एक भागे चार लगाइए तक कितना हो गया चार, और चार गुने एक तक कितना हो गया चार बराबर कितना हो गया जीरो। अब चलिए तो चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार बराबर जीरो, देखिए भागा में तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। अब चलिए तो चार एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार बराबर, कोई भी संख्या के जीरो से गुना करेंगे क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या आ गया हमारा, हमारा द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया अभी बताइए क्या आ गया जी, तो द्विघात समीकरण आ गया। तो हमको समीकरण चाहिए कि बहुपद चाहिए, तो बोलिएगा बहुपद क्या चाहिए बहुपद, तो लिखेंगे संगत द्विघात बहुपद बराबर, संगत यहां लिखिएगा संगत द्विघात बहुपद बराबर कितना हो गया जी, तो फोर एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार, यही हमारा हो गया आंसर। हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में अगर बराबर जीरो रहे तो समीकरण, अगर बराबर जीरो नहीं रहे तो बहुपद, आया समझ में, अगर बराबर जीरो रहे तो उसको क्या कहेंगे, तो समीकरण हो गया, अब बराबर जीरो नहीं रहेगा तो क्या हो गया बहुपद, हमारा किस रूप में आ गया बहुपद के रूप में, आया समझ में कि नहीं, आया तो फटाक से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ठीक है कि नहीं, तो यह हमारा हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एक के हल, फिर से बता दें जैसा बोलिए फिर से बता दें, तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, तो क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, तो शून्यकों के योग तो कितना है एक बटा चार तथा गुणनफल, तो गुणनफल यानी शून्यकों के गुणनफल तो कितना है माइनस एक है, है ना, क्रमशः यहाँ देखिए क्रमशः लगे ले ना, तो क्रमशः केरा लगी है, तो पहले योग तब गुणनफल, पहले योग तब गुणनफल, क्रमशः मैंने क्रम से, है ना, एक के बाद एक दी गई संख्याएं हैं, जो संख्या दिया हुआ वही है, तो चलिए जो जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, तो दिया है शून्यकों के योग, तो शून्यकों के योग सूचित करते हैं कौन से जी, तो अल्फा प्लस बीटा से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना एक बटा चार, और शून्यकों के गुणनफल सूचित करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया है माइनस एक। हम अभी बताए कि द्विघात समीकरण के फॉर्मूला आता है उसको याद कर लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अब मान धरिए
तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है एक बटा चार इंटू में कितना है एक्स प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है जी माइनस एक, तो माइनस एक धर दिए बराबर क्या हो गया जीरो। अब इसको हल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस एक गुण एक्स, तो एक्स बटा में कितना चार, प्लस माइनस माइनस एक बराबर कितना हो गया जीरो। अभी बताए कि बट्टा में कोई भी संख्या को रहे नहीं दीजिए, तो बट्टा में नहीं रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम इसके नीचे में कितना छुपा हुआ है तो एक, यहाँ तो चार नजर आ रहा है, यहाँ कितना छुपा हुआ है एक, तो एक चार एक के लघुत्तम कितना हो गया तो चार, तो एक भागे चार तो चार, चार गुने एक्स स्क्वायर तो चार एक्स स्क्वायर माइनस, तो माइनस चार भागे चार तो एक, एक गुने एक्स तो एक्स माइनस, तो माइनस एक भागे चार तो चार, चार गुने एक तो चार, क्लियर है। अब चलिए यहाँ है क्या में जी, किस रूप में जी, तो भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, अगला लाइन में देखिये गुना में भेज दिए, कोई भी संख्या के जीरो से गुना करेंगे क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या आ गया हमारा, तो द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण हम लोग को अगला चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है तो द्विघात बहुपद पढ़ना है, तो बहुपद लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बराबर जीरो हटा देना पड़ेगा, तो बराबर जीरो क्या कर देंगे हटा देंगे, क्लियर आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर दो की ओर चले, जैसा आप बोलिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो की ओर चलते हैं। तो बुक हमारे पास है, आपके पास है कि नहीं है ना जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब दो की ओर चलेंगे है ना, चलिए तो दो के दो में क्या कहता है, तो याद दे दिया हमारा दो के दो लिखते हैं, एक है अपना रूट टू, एक है अपना एक बटा थ्री, तो हल करेंगे। तो देखिएगा जी, तो रूट टू क्या दिया हुआ है आप ही बताइए ईमानदारी से, रूट टू क्या दिया हुआ, तो रूट टू हमारा दे दिया है शून्यांकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा, एक बटा तीन क्या दिया हुआ है जी, तो शून्यांकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है एक बटा तीन, तो लिख देंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, तो दिया है क्या, तो लिखेंगे शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना है जी रूट टू, शून्यांकों का गुणनफल कितना दे दिया है अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है जी, तो एक बटा तीन। तो हम क्या बोले थे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो द्विघात समीकरण का, तो लिखते हैं द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, बताइएगा ईमानदारी से क्या होता है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो, आया कि नहीं समझ में, यही ना होता है जी। अब जहां जहां अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा है मान धर दीजिए, तब मान धरते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे क्या लिखेंगे रूट टू इंटू एक्स प्लस इसके जगह पे क्या धरेंगे एक बटा तीन बराबर जीरो। अब चलिए तो यह हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस एक बटा तीन बराबर जीरो। हम अभी बताए थे बट्टा में किसी को नहीं छोड़िए, उसको दूसरे तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ बट्टा में तीन है उधर भेजिए, तो भेजने के लिए क्या करेंगे, तो लघुत्तम लेंगे,
तो इसके नीचे कितना है जी एक, इसके नीचे कितना है जी एक, यहाँ कितना है जी तीन, तो एक एक तीन के लघु उत्तर कितना हो गया तीन, एक भाग है तीन तो तीन, तीन गुने एक स्क्वायर तो कितना हो गया थ्री एक्स के स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा कितना एक है, तो एक भाग है तीन तो तीन, तीन गुने रूट टू एक्स तो कितना हो जाएगा थ्री रूट टू एक्स प्लस तीन भाग है तीन तो एक, एक गुने एक तो एक बराबर कितना जीरो, अब तीन को ऊपर टी भेज दीजिए तो कितना हो गया थ्री एक्स के स्क्वायर माइनस रूट थ्री रूट टू एक्स प्लस एक बराबर कितना जीरो गुने तीन। अब चलिए तो थ्री एक्स के स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस एक बराबर जीरो, तो यह क्या आ गया हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण हमको चाहिए तो बोलिएगा नहीं, तो क्या चाहिए तो संगत द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे संगत द्विघात बहुपद बराबर, इसमें क्या करेंगे बराबर जीरो हटा देंगे, तो लिख दीजिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस एक, यही क्या हो गया हमारा आंसर। आया समझ में कि नहीं बताइएगा जी, आया समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है को बबुआ हो मनुआ, कोई दिक्कत है को नहीं ना, दिक्कत रहेगा तो फिर बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चले, तो क्वेश्चन नंबर तीन क्यों चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए जी है ना, तो क्वेश्चन नंबर तीन क्यों चलते हैं, तो यही खड़े लिख दे है ना, यहां तक तो चलवे करेगा वैसे, यहां इसको मिटा देते हैं क्या, तो ऐसा बोलिए आप लोग, समय तो ऐसे चल रहा है, इसको मिटा देंगे है कि नहीं। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन थ्री नंबर, तो थ्री नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, थ्री नंबर जी थ्री में कितना कह रहा है जीरो आप रूट फाइव है ना, जीरो रूट फाइव, जीरो रूट फाइव, तो बताइए जीरो क्या दिया हुआ है, तो बोलिएगा शून्य को का योग, रूट फाइव क्या दिया है तो शून्य को के गुणनफल, क्लियर है, तो चलिए लिख देते हैं दिया है शून्य को का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है जी, तो जीरो, शून्य को का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है जी, तो बोलिएगा रूट फाइव है ना। तो यही हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्मूला है, इसी में क्या करेंगे धर देंगे, तो धर दीजिए तो एक्स स्क्वायर तो रह देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा तो कितना धरेंगे जीरो इंटू में कितना है जी एक्स पाला, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है जी रूट फाइव बराबर कितना हो गया जीरो। अब चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस का जी, अच्छा चलिए जी हाँ देखिए जीरो से कोई भी संख्या गुना करिए क्या हो जाएगा जीरो, अब प्लस कितना रूट फाइव बराबर कितना हो गया जीरो, तो एक्स स्क्वायर है ना यहाँ जीरो बचा यानी कुछ बचा नहीं थी तो खत्म हो गया हमारा, तो यहाँ से क्या ले लेंगे प्लस रूट फाइव बराबर क्या हो गया जीरो, तो हमारा क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया, तो इसको लिखेंगे संगत द्विघात बहुपद, संगत द्विघात बहुपद कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, आंसर। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं बताइएगा जी, आया समझ में जी, क्या क्या कुछ नहीं किए हमारा दिया था दिया है शून्य को का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है जीरो, शून्य को का गुणा अल्फा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना रूट पांच, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं लिख दिए
अब चलिए एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जीरो, तो जीरो इंटू में एक्स प्लस है ना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रूट पांच बराबर जीरो। अब चलिए एक्स स्क्वायर माइनस कोई भी संख्या को जीरो से गुणा करें क्या हो जाएगा जीरो प्लस कितना रूट फाइव बराबर जीरो। अब बताइए इसका कोई वजूद रहा जीरो का कोई वैल्यू है नहीं ना, तो चलिए एक्स स्क्वायर अब बच गया यहाँ कितना रूट फाइव तो प्लस रूट फाइव बराबर जीरो। तो क्या आ गया हमारा द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए द्विघात बहुपद, तो लिख दीजिए संगत द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, यही ना हो गया हमारा आंसर। क्लियर आया समझ में, तो क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़े। तो चलिए वैसे मिटाते हैं यहां से इधर इधर मिटा दिए और इधर से यहां मिटा दिए और इसको यहां मिटा दिए, बस एक ही चीज है। अरे आप खुद भी बना सकते हैं मगर हमारा काम है तेज बच्चों को भी सिखाना और जो बेचारा कमजोर है तो उनको भी सिखाना, तो एक को बनाते हुए चलते हैं है ना, और जो थोड़ा सा समझदार है तो खुद से बनाइए क्या समझे। तो यहाँ एक है कौमा एक है, तो एक एक है, एक एक कहने का मतलब क्या हो गया, एक एक कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको एक जो शुरू में जो एक दिया हुआ है वो शून्य अंकों का योग दिया है, और जो दूसरा का नंबर में एक दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ शून्य अंकों का गुणनफल दे दिया है। तो चलिए लिख देते हैं, तो दिया है शून्य अंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है जी एक, तो एक लिख देते हैं है ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है जी एक। तो चलिए मान धारिये तो एक्स स्क्वायर माइनस एक इंटू एक्स प्लस एक बराबर जीरो। अब चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक गुने एक्स कितना हो गया एक्स प्लस एक बराबर जीरो। तो क्या आ गया हमारा द्विघात समीकरण, तो चलेंगे संगत द्विघात बहुपद बराबर कितना हो गया बताइएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, यही ना हुआ जी। क्लियर है आ रहा समझ में, कोई दिक्कत है नुनू नहीं ना, ना। ओ बबुआ कोई दिक्कत है बताइए ना जी, इधर उधर मोड़ी घुमा रहे नहीं ना दिक्कत है। तो चलिए मजा आ रहा है ना पढ़ने में, आसान है कि नहीं, आसान तो है ये बस अब तक ध्यान दीजिएगा तब ना, क्या समझे वैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर चार तो हम लोग खत्म कर दिए, अब क्वेश्चन नंबर पांच की ओर चलें, तो चलते हैं तो ही नीचे वाला डिलीट कर देते हैं, वही चीज तो करना है सारे में। अब क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या बोलता है जी, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में है आपका माइनस एक बटा चार, एगो है एक बटा चार, तो कौन भारी चीज दे दिया है बड़का भारी है जी है, कौन भारी चीज दे बटा में दे दिया था क्या डर जाएंगे, नहीं डरा देंगे, डरेंगे क्यों, तो देखिए दिया हुआ है हमारा दिया है शून्य अंकों का योग, आप ही बताइए कौन सा लिखे बताइएगा कौन सा लिखे, एक बटा चार ना जी कि माइनस एक बटा चार, हाँ माइनस एक बटा चार। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कितना माइनस एक बटा चार, तो अच्छा अगली बार बताइए आप कि शून्य अंकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा में क्या लिखे, देखिए सही बोल रहे हैं आप कितना लिखे जी एक बटा चार, देखिए सही आप बता दिए कितना लिखे एक बटा चार। तो चलिए तो यह हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो कितना है जी तो माइनस एक बटा चार इंटू कितना एक प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया एक बटा चार बराबर जीरो। अब चलिए इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया
एक गुने एक्स था कितना हो गया एक्स बटा में चार पाला एक बटा चार बराबर जीरो। अब देखिएगा बुतरुआ इत्या परिपाटा में कितना छुपा हुआ है तो बोलिएगा एक यहाँ कितना है चार यहाँ कितना है चार तो लघुत्तम ले लीजिए ना तो लघुत्तम ले लिए कितना हो गया चार। लघुत्तम कहाँ लेंगे तो बाटा में ना ही दे बाटा में नहीं रखना है ना तो चलिए एक भागे चार तो कितना चार चार गुने एक्स स्क्वायर तो कितना हो गया फोर एक्स के स्क्वायर अब पाला चार भागे चार तो एक एक गुने एक्स तो कितना हो गया एक्स पाला चार भागे चार तो एक एक गुने एक तो कितना हो गया एक बताइएगा बराबर जीरो। अब यहाँ चार है भागा में इधर जाके कुछ में हो जाएगा गुना में ना जी हाँ सही बोले तो चलिए तो चार एक्स के स्क्वायर प्लस एक बराबर जीरो गुने चार तो कितना हो गया चार एक्स के स्क्वायर प्लस एक बराबर कितना जीरो। तो बताइएगा पुत्र वन हम नुनु हम मुन्नु ये क्या आ गया तो द्विघात समीकरण आ गया तो यही हमको आंसर चाहिए तो बोलिएगा नहीं तो क्या चाहिए तो द्विघात बहुपद तो लिखेंगे संगत द्विघात बहुपद बराबर कितना लिखेंगे तो फोर एक्स के स्क्वायर प्लस एक हो गया कि नहीं हमारा आंसर आया समझ में कि नहीं हो गया हमारा आंसर आया समझ में कि नहीं आया ना जी मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पांच हम लोग कर लिए अब देखिए एक क्वेश्चन और बच रहा है क्वेश्चन नंबर छ आसान है देखो जिनको जिनको आता है अपने से बनाइए देखिएगा नहीं ईमानदारी से ताक झाक रहे हम देख रहे हैं यहां से चलिए निकाल के बनाइए तो है ना इन्हें हम डिलीट मारते हैं जिनको जिनको आता है खुद से बनाइएगा जी कोई दिक्कत है जिनको नहीं दिक्कत है बनाइए और जिनको दिक्कत है यहाँ बोर्ड पे देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे छ की ओर क्वेश्चन नंबर छ की ओर तो छ में दिया है चार और एक दिया है क्वेश्चन नंबर छ में कितना दे दिया है चार दे दिया है और एक दे दिया है कि नहीं आसान कोई भी बना लीजिएगा चुटकी बजाते हुए बना दीजिए हम चट्टा नहीं है जी क्या चट्टी नहीं है धनीमा वाला चट्टा नहीं है तो हम चाट दीजिएगा ऐसी नहीं चलिए तब दिया द्विघात कुछ दे दिया शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है जी ईमानदारी से बताइएगा जी चार शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है जी एक। तो द्विघात समीकरण के जो फॉर्मूला इसमें लगवाइए एक्स स्क्वायर रहने दीजिए अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है चार इंटू में कितना जी एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना एक बराबर कितना हो गया जीरो। अब चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस चार गुण एक्स तक कितना हो गया चार एक्स प्लस एक बराबर जीरो। तो हमारा क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया तो हमको द्विघात समीकरण चाहिए तो ना तो क्या चाहिए तो संगत संगत द्विघात बहुपद है ना बराबर कितना हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक तो यही ना हो गया जी बताइए आसान है कि नहीं आसान था कि नहीं भारी था आसान था इससे आसान कोई मैथ होगा धरती पे कोई नहीं। तो जिनको जिनको समझ में आया होगा अपने मन से बनाइएगा है ना और जिनको नहीं आया है इसको एक बार दो बार तीन बार देखिए देखते देखते सीख जाइएगा क्या करते हैं सही है कि नहीं। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूरी से जरूरी है ना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए है ना कोताही नहीं कीजिए कंजूसी नहीं कीजिए अरे अपने आदमी आना है और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इसका लिंक को है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न वाले 2.3 में है ना। त
तब तक के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, है ना।